भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन से हर किसी की आंखें नम है। गुरुवार को उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए एक स्ट्रीट डॉग भी पहुंचा, जिसके बाद गमगीन माहौल और ज्यादा मार्मिक हो गया। रतन टाटा का गोद लिया स्ट्रीट डॉग गोवा रतन टाटा के पार्थिव शरीर के पास पहुंचने के बाद ताबूत के पास खाली जगह से चिपक कर बैठ गया, और जब डॉग को वहां से हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट गया। एक केयरटेकर ने कहा कि गोवा रतन टाटा के बहुत करीब था। जब फोटोग्राफर्स ने गोवा की तस्वीरें लेने के लिए धक्का मुक्की की तो देखभाल करने वाले ने उनसे ये कहते हुए पालतू जानवर को जाने देने का आग्रह किया कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। गोवा के केयरटेकर उसे रतन टाटा से आखिरी बार मिलवाने के लिए लाए थे। गोवा के केयरटेकर ने बताया कि वो गोवा राज्य से लाए जाने के बाद से 11 साल से भी ज्यादा समय से टाटा परिवार के साथ है। उन्होंने बताया कि जब वो लोग गोवा एक पिकनिक पर गए थे तब सुरक्षा गार्ड उसे लेकर आया था। रतन टाटा को वो बहुत प्रिय था, उसे गोवा से लाने की वजह से उसका नाम गोवा पड़ा। टाटा ने कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर बताया था कि जब वो गोवा गए थे तो एक आवारा स्ट्रीट डॉग उनकी गाड़ी का पीछा करने लगा, तभी उन्होंने उसे गोद लिया और मुंबई ले आए और उसे बॉम्बे हाउस में अन्य डॉग्स के साथ शरण दी। टाटा का डॉग्स के प्रति प्रेम जग जाहिर है। उन्होंने साल 2020 में इंस्टाग्राम पर बॉम्बे हाउस से डॉग्स के साथ त्यौहार मनाते हुए एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें उनके साथ गोवा भी नजर आया था। इससे पहले दिन में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि टाटा डॉग से बेइंतहा प्यार करने के लिए जाने जाते थे। टाटा के सभी परिसरों में स्ट्रीट डॉग्स को जाने की अनुमति थी, चाहे वो होटल ताज हो या टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस। एक टैक्सी में एक स्ट्रीट डॉग को अंतिम श्रद्धांजलि के लिए एनसीपीए ग्राउंड ले जाया जा रहा था। हालांकि ग्राउंड के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने टैक्सी को रोक लिया और पूछताछ के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। बताया जा रहा है कि स्ट्रीट डॉग का नाम खुद रतन टाटा ने गोवा रखा था। ये स्ट्रीट डॉग बॉम्बे हाउस में रहता है। 11 साल पहले लगभग टाटा कर्मचारी काम के लिए गोवा गए थे और उन्हें ये डॉग मिला था। ये स्ट्रीट डॉग पिछले 11 सालों से रतन टाटा के आवास पर रह रहा है, जो उनके डॉग्स के प्रति गहरे प्यार को दर्शाता है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रतन टाटा से लंदन जाने का अनुरोध किया। रतन टाटा ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और लंदन आने के लिए उन्होंने हामी भर दी। हालांकि रतन टाटा लंदन नहीं गए, दरअसल उनके डॉग टैंगो और टीटो में से कोई एक बीमार था और इस हालत में उन्हें ऐसे छोड़कर वे लंदन नहीं जाना चाहते थे। जब प्रिंस चार्ल्स को इस बात का पता लगा तो वो इससे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। आपको बता दें, निधन के बाद रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया था, जहां भारी तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके बाद देर शाम मुंबई के वर्ली स्थित शमशान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।